द मोस्ट पावरफुल नेचुरल केराटिन टू स्ट्रेटन फ्रिजी हेयर फ्रॉम द फर्स्ट यूज हेयर स्मूथनिंग हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट एट होम। जी हाँ दोस्तों, आज हम भिंडी यानी कि ओकरा का इस्तेमाल करके हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट क्रीम घर पर बनाने वाले हैं, जिससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। आपके बालों में से ड्राइनेस एलिमिनेट होगी यानी कि कम हो जाएगी। अगर आपके बाल अनमैनेजेबल है वो मैनेजेबल होने लगेंगे, बालों में से ड्राइनेस हटेगी, स्प्लिट एंड्स रिमूव होगी और आपके बाल सॉफ्ट सिल्की दिखाई देने लगेंगे। तो इस क्रीम को किस तरीके से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल आपको दिया जाएगा। तो आपको करना है क्या, ध्यान से एंड तक देखना है इस वीडियो को, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है, वरना आप इस रेमेडी को घर पर तैयार नहीं कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है वो है भिंडी यानी कि ओकरा। बालों की लेंथ के हिसाब से आपको भिंडी को ले लेना है। सबसे पहले भिंडी को लेने के बाद धोना है, अच्छे से फ्रेश करना है और उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। अब बात करें दोस्तों भिंडी के फायदे की, तो भिंडी के अंदर अमीनो एसिड है, वाइटामिन से, जो हमारे बालों को हेल्दियर रखते हैं, बालों को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, बालों में से फ्रिजनेस को एलिमिनेट करते हैं, बालों में नेचुरल कंडीशनिंग, बालों को सॉफ्ट करने के लिए, बालों में से फ्रिजनेस को एलिमिनेट करने के लिए भिंडी बहुत ही कारगर मानी जाती है। थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन अगर आप इसको बनाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले भिंडी को कट कर लेना है और कट करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर डालना है और उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से बॉईल करना है, उबालना है। अब दोस्तों इसको उबालने के बाद आपको इसको ठंडा करना है और इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है। दोस्तों मिक्सर में पीसने के बाद इसे निकाल लेना है। अब दोस्तों आपको करना है क्या है, आपको कॉर्न फ्लोर लेना है। दोस्तों कॉर्न फ्लोर करेगा क्या, आपके बालों में से फ्रिजनेस एलिमिनेट करेगा, बालों में से फ्रिजनेस एलिमिनेट करने के साथ ही साथ बालों में वॉल्यूम देगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा करली ड्राई डैमेज हेयर है तो उन बालों के लिए कॉर्न फ्लोर भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि बालों में से ड्राइनेस हटाएगा, करलीपन दूर करेगा और बालों को स्ट्रेंथ देगा, बालों में वॉल्यूम इंक्रीज करता है कॉर्न फ्लोर। तो यहाँ पर आपको कॉर्न फ्लोर भी 2-3 चम्मच ले लेना है एक बाउल के अंदर, उसके अंदर आपको वाटर ऐड कर देना है। अब दोस्तों इस वाटर को ऐड करने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था भिंडी का उसी के अंदर मिला देना है और उसके बाद दोस्तों उसको अगेन बॉईल करना है। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से बॉईल करने के बाद ये क्रीम कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। अब दोस्तों इसके अंदर आपको तीसरी और लास्ट चीज़ ऐड करना है, वो है कोकोनट हेयर ऑयल। अदर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको हेयर ऑयल सूटेबल हो उस हिसाब से आपको 1-2 स्पून ऑयल मिला देना है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद बात करेंगे इस स्मूथनिंग क्रीम को किस तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से टॉवल ड्राई करना है, बाल बिल्कुल 100% ड्राई हो जाए। उसके बाद दोस्तों डाई ब्रश की मदद से आपको इस क्रीम को लगाना है, बिल्कुल अच्छे से बालों पर लगाना है कम से कम 30 मिनट के लिए, और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से बालों को धो लेना है। उसके बाद चाहे तो आप कंडीशनर कर सकते हो या डायरेक्टली सीरम का इस्तेमाल करना है आपको, और उसके बाद बालों को कॉम्ब करना है। तो दोस्तों इस तरीके से भिंडी यानी कि ओकरा का इस्तेमाल करके हेयर स्मूथनिंग क्रीम आप घर पर तैयार कर सकते हो और बालों पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। इस क्रीम को वीक में आप 2 बार यूज़ कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करते ही करते आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मित्रों दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।